मैं कहता हूँ मोदी जी को भारत से निकाल दिया जाए। मोदी जी इतने करप्ट करप्ट, मोदी जी को पता ही नहीं गरीबी क्या है, लोगों के बारे में नहीं पता है, परिवार कैसे पलता है, अपने बच्चे अपना परिवार है खुद छोड़ा हुआ है। यदि मेरे पीछे 10,000 लोग इकट्ठा हो जाए ना तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दे, मोदी जी एकदम नील बटा नील है, मोदी जी को पता ही नहीं गरीबी क्या होती है। मोदी जी आए क्या मेरा खाता चेक करने के लिए, 15 लाख रुपए भेजा, किस मुद्दे को लेके? हम लोग डिजिटलीकरण के खिलाफ है। मोदी सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है, झूठी सरकार है एकदम। मोदी जी से हम एकदम ना खुश है, हमें भारतीय होने का भी कोई गर्व नहीं है। वही मिलती है 7,000-8,000 बस। तीनों काम कर रहे हैं, सफाई का भी काम हम ही कर रहे हैं, चपरासी का काम भी हम भी कर रहे हैं, दफ्तरी का काम भी हम भी कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ, मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे लोग जो है बैंक में काम करते हैं, अलग अलग बैंकों के कर्मचारी हैं यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। आपने कुछ मांगे इनकी, जैसा कि आप पीछे इस पे देख सकते हैं, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन मणिपुर स्टेट, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट तमिलनाडु तेलंगाना न्यू दिल्ली और तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे जितना मालूम है ये लोग निजीकरण के खिलाफ है, जो निजीकरण सरकार कर रही है, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। या कि इनका क्या मुद्दा है, क्या मांग है, क्या है? हम सरकार से एकदम नाखुश है क्योंकि मोदी सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है, झूठी सरकार है एकदम। मोदी जी से हम एकदम नाखुश है, हमें भारतीय होने का भी कोई गर्व नहीं है। क्यों? मिनिमम वेज तक भी लोगों को नहीं मिलता, गवर्नमेंट कहती है कि हम मिनिमम वेज देंगे, प्राइवेट कंपनियों के अंदर मिनिमम वेज बोलने के बोलती है कि दो, लेकिन सरकारी कंपनी के अंदर मिनिमम वेज नहीं मिलता, तो भारतीय होने में कहे का गर्व होगा? मोदी जी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की गरीब लोगों के घर में क्या चल रहा है। मोदी जी गरीबों की सरकार है, मोदी जी एकदम नील बटा नील है, मोदी जी गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार है। मोदी जी कोई भारत, मैं कहता हूँ मोदी जी को भारत से निकाल दिया जाए। मोदी जी इतने करप्ट करप्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। क्या पूरा नाम बताइए? मेरा नाम सनी कुमार है। जनरल से आते हैं? नहीं, एससी कोटे ही आता हूँ। एससी से आते हैं? बिल्कुल। आपको तो खुश होना चाहिए, ओबीसी के हैं, एससी कोटे है। मोदी जी एकदम नील बटा नील है, मोदी जी को पता ही नहीं गरीबी क्या होती है। मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला था, मैं कहता हूँ मोदी जी चाय नहीं, मोदी जी को बहुत बड़े खानदान से है जो लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, गद्दी उनको मिल गई है और एक अनपढ़ नेता है मोदी जी। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है? सिर्फ मोदी जी का विकास है, सबका कोई विकास नहीं है, सिर्फ मोदी जी की फैमिली का विकास है, अडानी जी का फैमिली में है उनकी पत्नी को छोड़ दिया देश के लिए। मैं भी छोड़ सकता हूँ देश के लिए, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, जितने लोग हैं सब छोड़ देंगे, ये कहने की बात है। आप भी छोड़ दोगे अपने परिवार को? एक पीएम की गद्दी किसको नहीं चाहिए? मेरे साथ कुछ महिलाएं तो सुरक्षित है, आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है बस यही है कि महंगाई। महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है? हाँ वैसे तो सुरक्षित है, लेकिन काम वाम को लेकर हम बड़े परेशान हैं। गरीबी इतनी बढ़ गई है, बच्चों का खर्चा इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जहाँ हमें 20 किलो राशन मिलता था वहाँ 12 किलो राशन मिलता है, तो हर चीज में महंगाई बढ़ गई और हमारी तनख्वाह 80 करोड़ जनता को राशन दे रही है मुफ्त में, और क्या चाहिए? अबका दे रही है, अबका दे रही है, 5 किलो दे रही है। नहीं अब नहीं, 5 किलो भी वो मेरी बात सुनिए, आप जनता से जाकर पता करिए कि वो 5 किलो भी राशन उनका जो राशन कार्ड कैचित कर दिए सरकार ने। हरियाणा के अंदर ऐसे इतने राशन कार्ड फेल कर दिए, कुछ कार्य कर दिए, अभी बुजुर्गों की पेंशन जो आती है 2,500 रुपया वो भी खत्म कर दी है। आपको पेंशन नहीं मिल रही है? हमारे तो पेंशन बैंक से मिलती है, हमारे तो बैंक से। अभी जो है पेंशन के बारे में जो बात है, जो पेंशन 2004 से इन्होंने जो बंद करी है, ये क्या क्या चीज बंद करेंगे मुझे ये बता दीजिए आप। लेकिन मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है और आप लोग उनके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए ना, यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था सही रखने दी, ये विकास हो रहा है? इतने सारे लोग बैठे हैं अपने घर बार छोड़ के, ऑल इंडिया से लोग आए हुए हैं यहाँ। भारत विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहा है, भारत जो है विश्व पटल पे नाम अपना रोशन कर रहा है। भारत तो पहले भी कर रहा था, पहले क्यों नहीं कर रहा था ये बताइए, पहले भी कर रहा था भारत। मेरी एक बात सुनिए, हमारे देश के अंदर ये 6-7 साल हो गए इनको, 6-7 साल हो गए इनको आए हुए। क्या बोल रही थी आप महिलाएं सुरक्षित के बारे में? बस जो आप बोल रहे हो कि बस में जो किराया देते हैं ये सब, ये तो केजरीवाल जी ने कर रखी है फ्री।
केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएंगी? बिल्कुल बना देंगे। प्रधानमंत्री केजरीवाल को नहीं बनाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने इतना किया कि सरकारी स्कूलों पे और शिक्षा पे और लेडीजों के साथ कुछ तो उसने सुना क्या, लेकिन उनके शिक्षा मंत्री जेल में है, वो भी एक आरोप है, वो भी आरोप है। मोदी जी चाहेंगे ना किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, अगर मेरे पीछे हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो मोदी जी मुझे भी। सारी विपक्षी नेता भ्रष्ट, नेता जो है भ्रष्ट है, इसलिए मोदी जी काम कर रहे हैं। सिर्फ मोदी जी भ्रष्ट है, मोदी जी भ्रष्ट है, मोदी जी चाहे तो सारा भ्रष्ट रोक सकते हैं। देश जो है 70 साल ऐसे ही नहीं चल गया, भ्रष्ट दिए भ्रष्ट कोई नहीं है, ये 70 साल भी तो उन्हीं ने चला है। आप देख सकते हैं लगातार मोदी जी जो प्रधानमंत्री है वो लगातार सीबीआई ईडी को भेज रही है, जैसे कि अभी लालू यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके घर पे छापा, अपने आदमियों को ऊपर भेजना है, ईडी सीबीआई अपने आदमियों को ऊपर कौन ही भेजती है। ये तो विपक्ष आज अगर बीजेपी मजबूत है, जनता ने किया है ना, तो जनता के हित की बात तो करे, जनता के हित के काम तो करे, हित की काम तो करे। हिंदू राष्ट्र बना दिया, राम मंदिर बन गया, हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र मैम, हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र कहाँ, हिंदू राष्ट्र है बताइए, राष्ट्र चाहिए बताइए, कहाँ हिंदू राष्ट्र चाहिए, नहीं हो सकता जिंदगी में भी नहीं हो सकता, कोई हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदुस्तान का क्या मतलब, हिंदुस्तान का मतलब हम हिंदुस्तानी है, हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सभी भाषा के लोग है, सभी धर्म के लोग है, यहाँ पर सभी जाति के लोग है, सभी जाति के लोग है। आप ही लोग बेवकूफ बन रहे, आप ही लोग बनते ना, कुछ लोग बन रहे हैं ना, कुछ लोग है जो उनकी बातों में आते हैं, अपने मुद्दों है लोगों को भटकाया जाता है, हिंदू मुस्लिम अब ये हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे, इन लोगों की बातें गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन गवर्नमेंट अपना एक ऐसा मुद्दा रख देगी लोगों में, हिंदू मुस्लिम लेके लोगों को बहका देगी। जो आप लोग जो अभी आए ये किस मुद्दे को लेके आप लोग, हम लोग निजीकरण के खिलाफ है, ठेकेदारी के प्रथा के खिलाफ है, और जो बैंक में 20 साल से एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है, कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं पार्ट टाइम वर्कर और काम कर रहे हैं परमानेंट किया जाए, और परमानेंट करना चाहिए 3 घंटे की, उनको भी परमानेंट करना चाहिए। निजीकरण से क्या दिक्कत है, निजीकरण से क्या दिक्कत है, कमाल है, इतनी हमारा देश 70 साल आ गया, निजीकरण की बात की जो है, पहले लोग निजीकरण हो रहा है तो नौकरियां भी तो मिल रही है, कहाँ मिली है, किसको मिली है, नए नए लोग, मैं आपको बताइए, आप अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों को बिठा लीजिए, हाथ खड़ा करवा दीजिए कि किसको कितने को नौकरी मिल गई है। अडानी जी पे आप लोग लगातार हमलावर कर रहे हैं, इन्होंने बोला अडानी पूंजीपति लोगों को जो है, मैम एक बात दो आप, मोदी जी ने 8 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट को, उन्होंने अब तक कितनी वैकेंसियां दी हैं, 16 साल हो गए लोगों कैजुअल वर्कर पे काम करते हुए, जो 5 आदमी का काम कर रहा है एक वर्कर, और मिनिमम वेज कितना मिला उसको, 300 रुपए 400। दूसरी गवर्नमेंट देती थी क्या, दूसरी गवर्नमेंट देती थी सुनती भी थी, लेकिन ये तो उनसे इन्होंने तो किया है, इन्होंने अभी कई बहुत सारे लोगों को परमानेंट किया है, 10 अप्रैल 1910 को जो टेम्परेरी काम कर रहे थे, लाखों लोगों को उन्होंने परमानेंट किया है। लेकिन मोदी जी जो है दलितों की बात सुनते हैं, दलितों की बात करते हैं, ओबीसी समाज के जो हैं वो गरीब से उन्होंने अपनी जिंदगी को, अगर गरीबों की बात करें ना तो एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं गरीब लोगों की बातें सुनते हैं, अभी उनका शुरुआत में जब गवर्नमेंट आई थी उन्होंने स्वीपरों के पैर धोए थे, वो न्यूज में भी बहुत लॉन्ग टाइम तक आया, स्वीपर के पैर धोए, उसके बाद मीडिया में दिखाया गया उन स्वीपरों की हालत इतनी खराब है, उनके घर की मैडम को सैलरी भी नहीं मिलती, डेली वेज की नौकरी 20-20, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ 90 दिन से ज्यादा डेली वेज की नौकरी नहीं कर सकते, मेरे बैंक के अंदर या 16 साल हो गए 18 साल हो गए लोगों को डेली वेज की नौकरी करते हुए, और मिनिमम वेज कितना मिलता है, 300 उड़ा दिए, तो शर्म कानून की धजिया उड़ाई है, मोदी जी ने शर्म कानून की धजिया उड़ाई इन्होंने, जो आदमी मेरी बात सुनो, लेकिन जनता तो कहती है मोदी जी, चलो मैं कहता हूँ प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन में नौकरी परमानेंट तो मिलनी चाहिए, ताकि पीएफ ग्रेच्युटी ईएसआई ये सब कुछ कटना चाहिए ना, वो प्राइवेट के लोग क्या करते हैं, वो करते हैं कि हमारा आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर क्या, मेरे समझ में नहीं आया आत्मनिर्भर क्या है चीज, आत्मनिर्भर कैसे, जब ना रोजगार होगा ना काम होगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनोगे, आप सर्विस कर रहे हो जिस चैनल से भी हो, आपको अगर सैलरी ना मिले तो आत्मनिर्भर कैसे बनोगे आप,
बगैर सैलरी के तो आप भी नौकरी नहीं कर रहे हो ना, हम लोग काम कर रहे हैं, हमें सैलरी तक नहीं मिलती पूरी। आप लोगों को क्या क्या चाहिए? आप लोग जहाँ एक तरफ सांप्रदायिक दंगे में आप लोग कहते हैं कि हमें हिंदू चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए, हमें धारा 370 हटवाना है, और वही आप बोल रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, हमें नौकरी भी चाहिए, एक ही चीज चाहिए। हम लोग कैपिटल में बैठे हैं, कैपिटल में, भारत के कैपिटल में। मेरी बात सुनिए मैडम, ये आपका सवाल वाजिब है, लेकिन सरकार को ये देखना है कि मैंने पूरी जिनसे वादा करके आया है 15 करोड़ कहाँ गए मैडम? 2.5 लाख 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए बताइए मुझे? गरीबों की बात कर रहे हैं ना? 15 लाख रुपए नहीं आए खाते हैं मैडम? आगे आप हर हिंदुस्तान के घर में आए? आप आपके घर आए? मोदी जी ने भेजे थे मेरे घर में भी आए क्या? मोदी जी आए क्या मेरा खाता चेक करने के लिए? 15 लाख रुपए भेजा, हर घर में 15 लाख रुपए भेजूंगा, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजूंगा। क्यों आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं लगातार? हम बेवकूफ नहीं बन रहे लगातार, वो 2 बार जीत रहे हैं। हम 2 बार जीते हैं, ठीक है, एक बार मौका दिया था लेकिन दोबारा मौका नहीं दिया। दोबारा भी वो जीते ना? दोबारा जीते तो कैसे जीते? अब इस बार अगर बैलेट पेपर से वोटिंग कराए तो उनको पता लगेगा कि कौन जीता। विपक्ष एक होना पड़ेगा, जैसे हमारा बैंकों का है यूनाइटेड फर्म के द्वारा हमारा आंदोलन तेज होता है। आपने एक बात बहुत सही कही कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष एकजुट हो रहा है, जैसे अभी लोकतंत्र खतरे में है, इसका आंदोलन कर रहे हैं राहुल गांधी, तो अभी उसके समर्थन में जो सपा नेता है अखिलेश यादव वो भी आए हैं, ये केजरीवाल भी आया है, तो क्या लग रहा है कि 2024 में तख्ता पलट होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल तख्ता पलट की अब 2024 में देख लेना आप, आपका सर्वे बता देगा। लेकिन लेकिन एबीपी न्यूज जो है, आप चैनल जानते होंगे, उन्होंने सर्वे किया है, चुनाव से पहले एक सर्वे होता है कि किस नेता को किस पार्टी को जो है वोट मिलेगी, तो उन्होंने बोला बीजेपी को मिलेगी। बिल्कुल सारे चैनल बोलते हैं, क्योंकि चैनल वाले जो है वो बीजेपी की बड़ाई करते हैं और किसी की करते ही नहीं। बात बताऊं मैं आपको, जब से देश आजाद हुआ ना तो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है और उन्होंने गरीब लोगों की सुनी है, उन्होंने 2010 तक है ना गरीब लोगों की बहुत सुनी है, चाहे वो प्राइवेट स्टाफ था, चाहे छोटी पोस्टें थी, चाहे वो गरीब लोग थे, कितने भी लोग सुनती आई। 2010 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी चेंज की है, ना तो कैजुअल वर्कर को परमानेंट किया जाता है, ना ही गरीब लोगों को देखा जाता था। गरीब लोग, ये देश एक गरीब देश है, गरीब लोगों का देश है, 90% लोग इस देश में गरीब लोग हैं और गरीब लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं, और आज बीजेपी अगर आई है तो उन गरीब लोगों के कारण आई है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने भी गरीबों को नहीं देखा। लेकिन कह रहे हैं कि जो ये है, भी चेंज होएंगे मैडम, कांग्रेस के बारे में आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम करी, लेकिन कांग्रेस के जो राहुल गांधी के जो संसद में सदस्य थे उनकी सदस्यता चली गई है। आप सदस्यता क्यों नहीं जाएगी? यदि मेरे पीछे 10,000 लोग इकट्ठा हो जाए ना तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दे, राहुल गांधी जी दिखाने को तैयार है, दिखवाए मोदी जी की हिंदुस्तान में कोई भी डिग्रियां दिखवा दे के मोदी जी ओरिजिनल पढ़े हुए हैं। मोदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति है ही नहीं, जो खुद कहते थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा नहीं है तो राजनीति में नहीं जा सकता? राजनीति में क्यों नहीं जा? मैडम जा सकता है, लेकिन डिग्रियां तो होनी चाहिए ना, एक पीएम बनने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होने की उनकी कोई डिग्रियां नहीं है। एक बार उन्होंने, जैसा कि आप सुनिए, आप बहुत गरीब फैमिली से हैं और आपके घर में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप देश नहीं चला सकते। बिहार की जो मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, वो बहुत अनपढ़ थी लेकिन उन्होंने एक राज्य चलाया है, तो पहले के जो लोग थे वो ज्यादा, जो ब्राह्मण थे, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनके पास पैसे ज्यादा थे, गरीब लोग नहीं पढ़ पाते थे, जैसे राबड़ी देवी जो है वो ओबीसी समाज से आती है, नहीं पढ़ती। इसका क्या मतलब है हम राजनीति में नहीं जा सकते? गरीब और पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक बात कर रहा हूं, यदि एक बंदे को अधिकार नहीं है किसी दूसरे को मूर्ख कहना, पप्पू कहना, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मूर्ख, मैम वो माहौल में पढ़े हैं, राहुल गांधी एक अच्छे परिवार से है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको हमारी तरह है ना ये बातें, बड़ी बड़ी बातें बोलना नहीं आता, तो इसका मतलब उसको पप्पू कह दिया। मोदी जी एक रोड पे पड़े हैं, वो कहते हैं मैंने चाय बेकी है, स्टेशन पे बेकी है, जो स्टेशन पे चाय बेकता है ना उसको सारी दुनिया के बारे में मालूम होता है, तो क्यों खुद क्या है, तो इसीलिए वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लोगों को मोह लेते हैं, लेकिन लोगों के हक की बातें कभी नहीं करते। मोदी जी को पता ही नहीं गरीबी क्या है, लोगों के बारे में नहीं पता है, परिवार कैसे पलता है, अपने बच्चे, अपना परिवार है खुद छोड़ा हुआ है। आप लोग निजीकरण के खिलाफ यहाँ पे धरना? निजीकरण के खिलाफ और हमारा जो कैजुअल वर्कर हैं उनको कंफर्म करने के लिए कि उनको पक्का किया जाए। आप लोग लगातार धरने पे, आप लोग जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं मैम, क्योंकि कोई कानून होता है 90 डेज के बाद में मिनिमम किसी भी सरकारी विभाग में किसी बंदे को नहीं रख सकते, लोगों को 9-9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 18-20 साल भी हो गए काम करते करते
करते हो गए बैंक में? नहीं, सैलरी वही मिलती है 7,000-8,000 बस उसमें मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर होते हुए हमारे घर में खाना बन सकता है, मिनिमम सैलरी तक नहीं मिलती सरकारी कंपनी में होते हुए। बंदे का कर रहे हैं बैंक के अंदर और 5-5 बंदों का काम कर रहे हैं। पोस्टे तो है ही नहीं मैडम बैंकों के अंदर, तीनों काम कर रहे हैं, सफाई का भी काम हम ही कर रहे हैं, चपरासी का काम भी हम भी कर रहे हैं, दफ्तरी का काम भी हम भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैश का भी काम हम भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी का काम भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के हैं, मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट पे भी होंगे वो लोग भी हैं, जो मैनेजर जी सब है। अभी अगर हमारा ये आंदोलन आज ही खत्म नहीं हो जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इसके लिए भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी। आपको क्या लग रहा है कि 2024 में सरकार मानेगी, मान जाएगी इससे पहले? हमें अभी सरकार के लिए तो नहीं मालूम, लेकिन हमें मैंने आपको अभी और वोट दीजिए तो कहीं मान जाए। नहीं नहीं, सवाल वोट का तो है नहीं, सवाल हमारे अधिकार का है। सरकार आने से पहले अगर हमारा अधिकार मिलता है तो हम देखते हैं कि सरकार ने सुनी हमारी। मोदी जी को दे, मोदी जी को दे, हमें तो मैडम भारतीय होने का गर्व नहीं है, अब हम वोट किसको दे? यहाँ पे तमाम लोग जो हैं बैंक से आए हुए हैं, बैंक में काम करते हैं, कोई लोग चपरासी हैं, कोई लोग मैनेजर हैं, और सारे लोग यहाँ पे निजीकरण के खिलाफ जो है धरना दे रहे हैं, और इन लोगों को परमानेंट नियुक्त किया जाए इसके खिलाफ जो है ये लोग धरना दे रहे हैं। लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि जंतर मंतर पे लोग आते रहते अपनी अपनी डिमांड्स को लेके। आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोग भारी तादाद में, एक बार और आप विजुअल्स देख सकते हैं कि ये लोग तमाम साइकिलों की तादाद में ये लोग यहाँ पे मौजूद है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें भारतीय होने पे गर्व नहीं है और हमें जो है परमानेंट नियुक्त किया जाए। 7-8,000 रुपया इन लोगों को मंथली सैलरी मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है कि जहाँ सरकार एक तरफ गरीबों की बात कहती है, जहाँ सरकार रोजगार की बात कर रही है, क्या ये रोजगार है? क्या ये रामराज है? क्या ये हिंदू राष्ट्र और जो हिंदू राष्ट्र की बातें सरकार करती है उसके पीठ पीछे आप देख सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र के आरे में कितना गलत हो रहा है? आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।